तुम एक दो घंटा पहले तुम बाथरूम से निकले तुम मालूम है तो तुमने आ रहा इसमें कितना बोलता है तुमने ऐसी गाड़ी वाले आके तुम्हारे भेजा है ना हाँ फिर तुम यहाँ से गए तो मैं इधर बोलता हूँ तुम उधर रखते तुम्हारे लोगों अभी एक घंटा डेढ़ घंटा पहले ये गाड़ी वाले आके तुम्हारे को भेजा है ना इधर चले आओ बोले तो तुम इधर आए कहाँ जाओ बोले तुम लोगों को जहाँ से आए वहाँ जाओ बोले तुम लोग तो तुम इधर कहीं पर अब तुम इधर से आगे बढ़ेंगे वहाँ रहो वहाँ वाले रुको अब मैं बोला अभी इसीलिए घर में वहाँ बैठो बैठ के पुलिस स्टेशन में सर्कल साहब रहते हैं वहाँ घूमने जाते हैं समझे परेशान है क्या करते तुम लोगों को ये सोच देना ठीक है पूरी इंडिया में है समझे ना देखो तुम लोग तुम लोग सुनो समझो थोड़ा बसा रहा है इंतजाम हो रहा है तकलीफ है क्या टाइम लगता आपको इमीडिएट चावल बोले तो मैं पहुँचा देता हूँ पूरे तुम लोग साथ में आओ जी धरो पूरे इधर आके एक लाइन में ठहरे दो अरे वो फैक्ट्री है फोन मारो फायर ब्रिगेड के आ जाए भाई ये लोग ताकि हमें बोलो बाकी अभी देखो अभी लेके चावल आते तुम बेटा खा जाते फायर ब्रिगेड के ठहरो कहाँ बोले एड्रेस कहाँ बोले एड्रेस बोलो सर हराम हटा किस एड्रेस करेक्ट बोलो मानो मैं फायर ब्रिगेड है गुलाल कर दे हाँ चलो चलो मजा खबर करो दो तीन ऐसा की तरफ से डाल देना ऐसा जाने से परेशानी दूर नहीं होती और बढ़ जाती और बढ़ जाती आप लोग रखते हैं अब करो ऐसा सबको यही दे रहे हैं हम लोग तुम लोग कोई भी दिखे और ये समझा रहे हैं अपने अंदर जाके बोलो अब तुम पढ़ रहा आदमी हो ना बोलिए पढ़ा आदमी इधर है बोल के तुम चले गए तो काम मिल जाए तुम लोग मारा कर रहे हैं पढ़ा आदमी का हमारे पुलिस के गाड़ियों में सुविधा लेके लेके जाके स्टेशन से नहीं लेते तो नहीं लेते भगा दे रहे हम पुलिस रास्ता नहीं मालूम हमारी तरफ से जो है 15 आदमी है बोले 15 आदमी जब तक यहाँ रुकेंगे हम उनका खाने का इंतजाम करेंगे अब इमीडिएट हमारे पास चावल है 50 किलो अभी उनको चावल दे देंगे फिर और कल और 50 किलो चावल देंगे सुबह में दाल तेल राशन आटा उनको जो चीज़ लगती है वो चीज़ जो है जब तक उन्होंने यहाँ रहेंगे हम उनकी मदद के लिए तैयार झारखंड वालों को कहाँ रखेंगे आप भाई उनका काम मुकाम है वहाँ उनके मुकाम पे हम पहुँचा देंगे उनका जहाँ रहने का मुकाम है वो मुकाम पे हम पहुँचा देंगे पूरा खाने का राशन आप कर रहे हैं आपका नाम जी मेरा नाम हाजी है भाई मेरे दोस्त है वासिफ भाई जी पुनो हम दोनों मिलके मदद कर कितने लोग आए हैं झाड़ लोग यहाँ पे हम उनकी पूरी मदद आप यहाँ कैसे रहने वाले हैं भाई मैं यहाँ खिलवत चौमहला पैलेस का निगाह रहने वाला हूँ भाई क्या वासिफ भाई भी खिलवत चौमहला पैलेस का नहीं रहते हम उनकी मदद करते हैं जब तक उन्होंने रहना चाहेंगे हम उनका पूरा खाने का इंतजाम करेंगे जितने दिन उन्होंने यहाँ रहना चाहिए 97 बहादुरपुर वाले भैया इधर आ गए उन लोगों मेन रोड से जाने वाले थे उन लोग इसको जाओ बोले ना इधर आ गए सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश सुप्रीम फार्म लाइफ जहां सुकून और खुशियां बाहें फैलाए आपके मुंतजिर नकद और आसान अक्सात के लिए अभी कॉल करें